नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे कि उपचारात्मक आहार में कैसे हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि मोटापा में किस प्रकार से उपचारात्मक आहार दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मोटापा किसे कहते हैं। जब किसी व्यक्ति का वजन सामान्य वजन से 20% अधिक बढ़ जाए तो इस स्थिति को हम अतिभार कहते हैं। लेकिन जब यही स्थिति 20 से 40 अथवा 50 हो जाए बढ़कर के, तो इस स्थिति को हम मोटापा कहते हैं, ठीक है। मोटापा की स्थिति होने में हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे थायराइड ग्रंथि जो होती है हमारी, वो असंतुलित होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में दर्द उत्पन्न होने लगता है और भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। शारीरिक असक्षमता, यानी कि जब हमारा शरीर बेडोल हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, स्थूलकाय हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है हमारी क्रियाशीलता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हमें उठने बैठने में दिक्कत होगी, चलने फिरने में दिक्कत होगी, तो जो शारीरिक असक्षमता है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसी तरह से मानसिक प्रभाव, जब हम अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ प्रभावित होता है तो होता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारा मानसिक विकास है अथवा मानसिक जो प्रभाव है वो अवरुद्ध होने लगता है। हम बहुत ज़्यादा कुंठित होने लगते हैं अपने फिगर को लेकर के, अपने करियर को लेकर, अपनी कार्य शैली को लेकर के, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। तो मोटापा की वजह से क्या होता है, मानसिक प्रभाव भी पड़ता है, ठीक है। हृदय अवरोध, हृदय मोटापा बहुत लोगों में हृदय रोग की संभावनाओं को बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वसा अवशोषित होने लगता है, जिसकी वजह से जो हमारा जो शरीर है उसमें पानी जमा होने लगता है, वसा जमा होने लगता है और हमारे शरीर की क्रियाशीलता कम हो जाती है, हृदय अपने अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हृदय रोग जैसी बीमारियां भी आम हो जाती हैं, ठीक है। उपापचय संबंधित दोष, मोटापा होने से उपापचय संबंधित दोष भी देखने को मिलते हैं, जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। इसमें क्या होता है कि ये जो बीमारी है वो सबसे ज़्यादा रक्त वाहिनियों को प्रभावित करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट अच्छे से नहीं हो पाता है, तो हमारा शरीर में पूरे शरीर में दर्द और ऐठन देखने को मिलती है, ठीक है। तो एथरो जो क्लोरोसिस है वो मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर के बना है, एथरो और क्लोरोसिस। एथरो का अर्थ हो जाता है दलिया और क्लोरोसिस यानी कि कठोर, ठीक है। जो दलिया के समान कठोर हो उसी रोग को हम एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग कहते हैं। ये मुख्य रूप से तीन प्रकार पे आधारित होता है, जैसे वसा पर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो वसा है वो जमा होने लगता है, फिर बीपी जो है वो लो होने लगती है और शरीर में घाव भी देखने को मिलते हैं, जगह जगह घाव के निशान बनने लगते हैं, तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी होने पर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मोटापा की स्थिति में उपचारात्मक पोषण क्या होना चाहिए। तो मोटापा की स्थिति में सबसे पहले तो कैलोरी को कम कर देना चाहिए। जो हम सामान्य कैलोरी ले रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम प्रतिदिन 2100 कैलोरी ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से 1000 कैलोरी कम कर देना चाहिए आहार में। तो इस प्रकार से हमें भोजन में कैलोरी की मात्रा को कम करके लेना चाहिए। प्रोटीन का 1 ग्राम प्रति केजी भार के अनुसार लेना चाहिए। जो प्रोटीन हम ले रहे होते हैं वो 1 ग्राम प्रति केजी भार के अनुसार हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में सेलुलोज युक्त भोजन को हमें प्रधानता देना चाहिए और
जो स्टार्च युक्त भोजन है उसको अवॉइड करना चाहिए, यानी कि जिसमें स्टार्च युक्त भोजन है जैसे चावल है, ठीक है, इसको अवॉइड करना चाहिए। और हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, साग सब्जियां, फल, इन सबों को क्या करना चाहिए, अपने भोजन में स्थान देना चाहिए, जिसकी वजह से मोटापा में जल्दी से राहत मिल सके, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जो व्यक्ति मोटापा से पीड़ित है वो अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा फल एवं सब्जियों का प्रयोग करे, जैसे खीरा, ककड़ी और जो मौसम के अनुसार फल मिलते हैं उनका सेवन हमें भरपूर मात्रा में करना चाहिए, ठीक है। वसा की मात्रा को कम कर देना चाहिए, खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि खनिज लवण लेने से हमें किसी भी प्रकार का मोटापा नहीं बढ़ता है, हमें पोषक तत्व मिलता है। इसलिए खनिज लवण और विटामिन्स को हमें अपने भोजन में प्रधानता देनी चाहिए, भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए। विटामिन्स में भी विटामिन सी को भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायक होता है, ठीक है। जल भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, नमक को कम कर देना चाहिए। जो भी मोटापा से पीड़ित व्यक्ति है उनको अपने भोजन में नमक की मात्रा कम लेनी चाहिए। और ICMR के द्वारा भी कहा गया है कि हमें अपने भोजन में मोटापा से बचने के लिए तेल, नमक और चीनी को कम कर देना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने सेहत को ज़्यादा अच्छा बना करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा मोटापा किसे कहते हैं, यानी कि जब हमारा वजन सामान्य से 20% अधिक बढ़ जाता है तो इस स्थिति को हम अति भार की स्थिति कहते हैं। लेकिन जब यही 20-40% अधिक हो जाता है बढ़ करके, तो इसे हम मोटापा की स्थिति भी कहते हैं। मोटापा की स्थिति में ओडिमा और एथरोक्लोरोसिस नामक रोग होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। एथरोक्लोरोसिस क्या होता है? एथ्रो का अर्थ होता है कि दलिया, क्लोरोसिस यानी कि कठोर, जो दलिया के समान कठोर हो, यानी कि हमारा जो शरीर होता है उसमें वसा जमा होने लगता है और कई जगह घाव भी बनने लगते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मोटापा से हृदय रोग जैसी संभावनाएं, BP की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, हमारे शरीर की जो क्रियाशीलता है, जो धड़कन है वो कम होने लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर